मोदींनी सकाळी इस्रोच्या मुख्यालयामध्ये जाऊन चांद्रयान मोहिमेतील शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञांचं कौतुक केलं, अभिनंदन केलं। यासाठी पंतप्रधान मोदी थेट ब्रिक्स परिषदेवरून पहाटे बंगळुरूमध्ये दाखल झाले होते। यावेळी त्यांनी शास्त्रज्ञांच्या धैर्याला जिद्दीला सलाम केला। तसंच ज्या ठिकाणी चांद्रयान 3 लँड झालं त्या दक्षिण ध्रुवावरच्या स्थळाला शिवशक्ती आणि चांद्रयान 2 उतरलं त्या ठिकाणाचं तिरंगा असं नामकरण केलं। त्यानंतर 23 ऑगस्ट हा दिवस राष्ट्रीय अंतराळ दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रो कार्यालयातून केली। चांद्रयान 3 मोहीम यशस्वी करणाऱ्या शास्त्रज्ञांचं अभिनंदन करण्यासाठी कौतुक करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज इस्रो मुख्यालयात गेले। त्या दरम्यान बोलताना त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या। आणि इस्रो मुख्यालयातून बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेमकं काय म्हणाले, काय घोषणा त्यांनी केल्या पाहूया। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। आणि यानंतरची बातमी आहे मुंबई गोवा महामार्गावरच्या वाहतूक कोंडी संदर्भातली। 15,000 कोटींचा खर्च करूनही मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण झालेला